यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बाबा लग्जरी कार की गाड़ियों की सीरीज़ हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी है आप सब भाइयों के लिए। तो आज जिन गाड़ियों का नंबर है, बेसिकली आज जो कैटेगरी हम करेंगे वो करेंगे एसयूवी और सेमी एसयूवी। बट आज हम आपको दिखाएंगे वराइटीज़ ऑफ एसयूवी कार, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की गाड़ियाँ हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। क्योंकि आप देख सकते हैं, आज जो हमने लाइनअप आपके लिए लगवा रखा है वो काफ़ी दूर तक जाता है और काफ़ी सारे भाइयों की रिक्वायरमेंट थी इन गाड़ियों की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, XUV500 का बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे बाबा लग्जरी कार के स्टॉक की, तो वो भी आ चुकी है आप सब भाइयों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आप जो गाड़ी ढूंढ रहे हैं वो आज इन स्टॉक में खड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे ऐसी, तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, जहाँ पे मैं बहुत सारी बिहाइंड द स्टोरी आपको बताता हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउट आउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउट आउट गोज टू टेक गुरु जी, थैंक यू सो मच भाई कि आपने माई कंट्री मार्केट की वीडियो पर कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन गाड़ियों की डिटेल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका स्वागत है बाबा लग्जरी कार पे और माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो आज दोबारा से आपके बहुत ही चाहते और हमारे बहुत ही प्यारे भाई विजय भाई, विजय भाई वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। और अपने अंदाज में एक बार जोरदार तरीके से हाय हेलो। मौसम हो गया बहुत बढ़िया, गर्मियों में आपके लिए हम इतनी मेहनत करते ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो और बनाने के लिए। आज स्टॉक में क्या दिखा रहे हैं? आज सारी एसयूवी, मिक्स एसयूवी करनी है। आज करेंगे एसयूवी, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने जो वीडियो देखी है उसमें हमने एक ब्रांड कैटेगरीज वाइज आपको दिखाई, बट आज थोड़ा मिक्स करते हैं क्योंकि मिक्स वैरायटी आप करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद। तो सबसे पहले दिखाते हैं ये वाली गाड़ी। जब से हमने बाबा लग्जरी कार पे शूट शुरू किए हैं, ये गाड़ी ऑलमोस्ट हम करते ही थे, बीच में ये थोड़ी लुप्त हो गई थी, हैं आती जा रही थी, जल्दी जा रही थी, या तो ये बात है हम शूट नहीं कर पा रहे थे उसका। अब ये गाड़ी है कौन सी, सबसे पहले भाइयों को बता दो। ये BMW X1 S Drive 20D है, 20D यानी डीजल रहने वाली ऑटोमेटिक है। ओके, और बीज इंटीरियर के साथ है और बहुत ही अच्छा कलर है, बड़ा यूनिक सा है रेड कलर। ओके, और एवरेज वाइज भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब इसके पीछे से अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पीछे से कैसी रहने वाली है। अब X1 जो होती है वो किस कैटेगरी में आती है वैसे अगर देखा जाए तो? ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी, लैंड रोवर से कंपेयर हो सकती है? नहीं, वो एसयूवी है, एसयूवी इससे वो उससे ऊपर है, एसयूवी है। अब कॉम्पैक्ट है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मॉडल की, क्या मॉडल रहने वाला है ये? 2011 मॉडल है। 11 मॉडल है, अब ये है सन 2011 मॉडल, कंडीशन आपके सामने है गाड़ी की। तो इसके शुरुआत क्या कर रहे हो, शुरुआत किस पैस से कर रहे हो? सेल चल रही है, अंदाज़ा हो गया बहुत सस्ती गाड़ियाँ हो गई हैं। बस तो मानसून भी, बस कल तो गर्मी हो गई थी लेकिन आज मानसून है, बताओ। आज करते हैं स्टार्ट 7,90,000। 7,90,000 फाइनल? बिल्कुल, 7,90,000 में आपको BM जैसी गाड़ी मिल जाएगी, वो भी X1। तो आएँ और अपनी डील को क्रैक करें। तो अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक ऐसी गाड़ी जो आज थोड़ी सी लो रेंज में आपको मिलेगी, क्योंकि इस गाड़ी का नाम है जी डस्टर, यानी बिल्कुल रेनॉल्ट डस्टर RXL। अब RXL से क्या फ़र्क पड़ा, बेस आ गया थोड़ा, मिड का हो गया, ये वेरिएंट्स होते हैं इसमें। ओके, RXZ RXL, बहुत सारे और भी वेरिएंट्स आते हैं इसमें। कलर क्या रहने वाला गाड़ी का? ये ग्रे कलर है, ग्रे कलर में गाड़ी है। मिस्टर व्यास आपको इसकी पूरी प्रोफाइल दिखाएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब अंदर से कितनी लोडेड रहने वाली है? अंदर से इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं जो अपने लग्जरी कार में मिलते हैं, क्योंकि है ये भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में। कॉम्पैक्ट एसयूवी, बिल्कुल। कितने सीटर है गाड़ी है? ये प्रॉपर 5 सीटर है और डीजल में। एवरेज बताओ? एवरेज ये निकाल देती है 14 से 15 की। पक्की बात है? बिल्कुल। डस्टर का वैसे लोग कहते हैं कि डस्टर हो या उसकी निसान की टेरानो हो,
सेम है बिल्कुल सेम है, बट सबसे ज्यादा चली डस्टर ही है। डस्टर वाकई गाड़ी बहुत चली है लोगों ने। ऑफ रोडिंग पे भी अगर आपको गाड़ी लेके जानी है तो श्योरली आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये उस लायक है गाड़ी, यानी बिल्कुल। तो अब चलते हैं आगे, जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा था X1 से, मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा था X1 से, हो जाएगी? नहीं, ये प्रॉपर SUV में काउंट होती है और अच्छी मतलब ऑफ रोडर कहलाती है ये। काफी इसमें लग्जरी फीचर जो मैं आपको पैनोरामिक सनरूफ, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, कंफर्टेबल ऑफ रोडर एंड लग्जरी। अब मेरे को ऐसा लगता है ये होनी चाहिए 12 मॉडल, ये 11 मॉडल है, ये एक साल से रह गया यार मैं। चलो 11 मॉडल है गाड़ी, आप सामने देख सकते हैं कंडीशन। अगर इसकी फ्रंट ग्रिल की तरफ भी देखेंगे तो एक बहुत ही मस्कुलर लुक की है ये गाड़ी। वो तो है ही सही, यानी वो तो है। अंदर से थोड़ी सी लोडिंग्स भी बता दो एक बार। इसमें क्लाइमेट्रॉनिक AC मिलता है, डुअल जोन, ओके, पैनोरामिक सनरूफ है और सिल्वर कलर है, तो ऑब्वियसली ब्लैक इंटीरियर। ठीक है, तो अब करते हैं इसके थोड़े से पैसे डिस्क्लोज, क्योंकि पैसे ही रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट गाड़ियों के। अब ये है 11 मॉडल, बिल्कुल 11 लाख। हो देखो सेल में हो जाएगा क्या? हो जाती बट कर लेंगे, बट फिलहाल 11.5 लाख 11 में कर लेंगे मुझे लग रहा है, लेकिन 11.5 भी बोल रहे हैं, बट जब आप टेबल पे आएंगे माइकंट्री मारे का रिगार देंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। बिल्कुल ठीक है, तो इसकी डील है 11.5 लाख की 11 मॉडल। तो अब चलते हैं आगे। अब ये गाड़ी रहने वाली है स्पेशल, उसका रीज़न ये है इस गाड़ी का, क्योंकि ये गाड़ी अभी पीछे स्टॉक में थोड़ी कम हो गई थी, पुराने वाले मॉडल काफी सारे भाई यही वाला मॉडल पूछे थे। हाँ। नई वाली तो रुकती नहीं है, नहीं आती जा रही थी और ये आ नहीं रही थी वही। आप सब बहुत डिमांड करते कि हमें एंडेवर खरीदेंगे, लेकिन वो बजट वाली चाहिए। ये बजट वाली है, ये बजट वाली है ना, बिल्कुल। अब इसका मॉडल बताओ। ये 2012 मॉडल है। चलो ये अच्छा है, बजट में मॉडल ऊंचा है वही तो। अब ये बजट गाड़ी रहने वाली है, बट सबसे पहले आप इसकी प्रोफाइल देखना। एंडेवर इतनी लंबी गाड़ी होती है ना भाई साहब, कि देख के दिल खुश है। ये वही फॉर्च्यूनर का सेगमेंट है ना, बट ये है कि अफोर्डेबल है। बट ये वाली एंडेवर, आज तो एंडेवर की बहुत जो फेस है वो लिफ्ट हो गया, बहुत ऊंचे मॉडल आ गए हैं अब तो एंडेवर के, 40-40 लाख तक जाती है एंडेवर। बट ये वाली एंडेवर जब आई थी मार्केट में तो इसने भी बहुत मार्केट ग्रैब करी। वो तो है ही सही, एंडेवर की पहचान है ये गाड़ी, यही है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल। थोड़ी सी लोडिंग्स बताओ इसकी। इसमें भी आपको क्लाइमेट्रॉनिक AC मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ है इसमें। मजा आ जाता है, सही बता रहा हूं। अब तो आने लगा है। सही है, सही है। अब बता। इसमें आप साइड में देख सकते हैं 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। वेरी नाइस। तो बड़ा अच्छा ड्राइव लगता है, डीजल की गाड़ी है, एवरेज वाइज भी अच्छी होती है, प्लस ऑटोमेटिक SUV। कितने बंदे बैठ जाएंगे हम? आराम से 7-seater है। प्रॉपर? तो प्रॉपर 7-seater है। तो 12 के इसके तो 12 तो बहुत ज्यादा है, कितने बोलने चाहिए यार इसके? ये आ जाएगी 6 लाख में। चलो अब आपने 6 बोल दिया तो मैं 5 कम में ही दूंगा, तो इसका मतलब ये हुई 5.95 की। बट उसमें भी नेगोशिएशन चाहिए अपने को सेल में यार, कर लेंगे। चलो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुई 595 नेगोशिएबल ऑन टेबल 2012 मॉडल एंडेवर जो आप ढूंढ रहे हो। ओह इसमें मैनुअल भी है क्या? बिल्कुल आती है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो भी आज मेरे को लग रहा है बजट वाली है अपने पास। बिल्कुल आज बजट वाली है स्कॉर्पियो भी। अब इसकी आप प्रोफाइल देखो तो आपको आइडिया होगा ये किस शेप में खड़ी है गाड़ी, आप ज़रा देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। अब ये क्या मॉडल रहने वाली है? ये 2013 मॉडल है। अच्छा जी, बिल्कुल 13 मॉडल है भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अब स्कॉर्पियो भी, एंडेवर, स्कॉर्पियो होगी, फॉर्चुनर होगी, ये तीनों गाड़ियाँ ऐसी हैं ऑलमोस्ट सेम सी। हालांकि मैंने ये देखा है कि स्कॉर्पियो का प्राइस उन दोनों से तो काफ़ी वो रहता है, डाउन बिल्कुल रहता ही है। क्या सेकंड हैंड में भी डाउन रहता ही है? बिल्कुल रहेगा ही। इसका इससे डाउन होगा ये बताओ। लग्जरी कार पे आए हो, मॉनसून सेल में आए हो तो होगा ही। मुझे बस इतना बताओ कि ये जो एंडेवर जो बताई है 595, उससे सस्ती है कि नहीं है? उससे सस्ती ही देंगे, उससे सस्ती देंगे और ऊंचा मॉडल भी है 2013 भाई। एक साल ऊंचा देंगे और सस्ती देंगे गाड़ी, तो फटाफट इसके पैसे डिस्क्लोज कर दो। 5 लाख दे दी। 5 कम में दूंगा। अरे यार फिर दोबारा 495 बिल्कुल 495 में आपको दे देंगे स्कॉर्पियो 13 मॉडल, बाबा लग्जरी कार के स्टॉक में खड़ी हुई है। आप चाहें तो अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। अब ये गाड़ी आ चुकी है स्टॉक में, भैया बहुत डिमांड आ रही है कि XUV500 कब लाओगे। देखो हवा चल गई है गाड़ी के पास आते ही, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी जलजले वाली है। वो तो है ही सही कि मतलब तूफान आ गया इस गाड़ी के पास। क्या बोल रहे हो, ये कौन सा मॉडल है? देखो इसमें ऊंचे मॉडल चाहिए मुझे। ये ऊंचे हैं, ये आप देख सकते हो DRL वाले हैं। W कौन से वाले? कौन से W हैं ये? W6 है। थोड़ी सी लोडिंग्स की बात करते हैं कि इसकी क्या लोडिंग्स है जी?
इसमें भी आपको मिलता है क्लाइमेट्रॉनिक एसी ओके और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल प्लस इसमें भी डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले मिलती है फिटेड होती है बहुत बढ़िया अब ये देखो गाड़ी की शेप देखो XUV500 बहुत डिमांड आ रही है भाई कि भाई XUV500 खरीदनी है तो फटाफट लेके आओ तो आपकी डिमांड हम करते हैं पूरी तो इस वीडियो को लाइक ठोके जाना क्योंकि डिमांड कर दी है पूरी प्लस ये 2015 मॉडल है तो इसमें डुअल टोन इंटीरियर होता है बीच प्लस ब्लैक अच्छा जी हाँ दोनों रहता है अब इसके पैसे ही बता दो फिर सीधे सीधे गेस कर इसकी गेस करूँ बिल्कुल इसके ऐसे गेस करूँगा मैं आप शौक हो जाओगे फिर मैं सेल वाले दिमाग में चल रहा हूँ इस टाइम में चलो कि भाई बिल्कुल कि मतलब 6 लाख रुपए W6 है तो अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना हो जाएगा क्या 6 हो जाए पक्की देख लो फिर बट 6 महीने बाद 6 महीने अच्छा चलो 6 लाख मैंने बोल दिया तो बाकी जो अभी हमने रखी है इसकी अभी क्या रखा हुआ है वो 7,45,000 मतलब क्लोज ही है ज़्यादा फर्क नहीं आएगा 7,45,000 की आपको मिल जाएगी सन 2015 मॉडल W6 XUV500 जिसमें आफ्टर मार्केट कुछ हुआ है तो बता दें कुछ भी फिटिंग नहीं है और अब जो गाड़ी आ चुकी है हमारे सामने वो भी आपको देखने को मिलेगी वो W कौन सा रहने वाला है बताओगे या अभी दिखाओगे नहीं 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 वो दिखाएंगे ही सही भाई आप सब इतना प्यार देते हैं बाबा लग्जरी कार को माई कंट्री माई राइड को कि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव पे भी चली जाती हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं तो अभी ये टेस्ट ड्राइव पे गई थी ये तो ये... मतलब बोले जा रहे भाई कह रहे दिख तो रही नहीं गाड़ियाँ अभी मत दिखाना अभी मत दिखाना बिल्कुल छुपा दे बिल्कुल बहुत ही कैडी गाड़ी होने वाली है और एक झलक में पसंद आने वाली गाड़ी है और ये मतलब दोनों ही ऐसी हैं कि बस देखते ही जाने वाली इसकी लाइट जली रहने देते हैं फिर तो एक काम करते हैं जले रहने दे भाई इसको जली रहने दियो भाई इसकी लाइट और थोड़ी आगे कर दे इस गाड़ी को अभी भी तो नहीं दिख रही ना बिल्कुल मत दिखा दियो मिस्टर व्यास चलिए ठीक है तो अब ज़रा भाई निकलता है और फिर हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी को तो भाई अब लेते हैं उस गाड़ी की चाबी जो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है तो गिव मी द की तो की आ चुकी है दिखाऊं फिर भाइयों को दिखाई दो पहले की दिखा तो गाड़ी अभी भी मत दिखाइयो भाई पहले देखो की देखो और गैस करो अभी ब्रांडिंग नहीं है इस पर अब गैस करो कि कौन सी गाड़ी रहने वाली है वैसे गैस नहीं होता विजय भाई नहीं होता ये बिल्कुल अलग बना रखी है अब कमेंट सेक्शन में जाना पॉज कर दो इस वीडियो और कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो कि भाई हमने बिल्कुल राइट गाड़ी गैस कर ली है ठीक है तो हेयर प्रेजेंट टू यू द कार जिसे हम कहते हैं XUV500 W10 मॉडल है टॉप मॉडल है सनरूफ है ऑटोमेटिक है भैया सब कुछ है अब इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड देखिए मिस्टर व्यास पूरा दिखाएंगे आपको पीछे से और आगे से ये जो लाइट्स हैं ये सारी DRL लाइट्स हैं प्रोजेक्टर हैं कुछ कमरी फिटेड है प्रोजेक्टर है DRL है अलॉय व्हील्स है सनरूफ है इस पे जरूर लिखा होगा कहीं WW कुछ लिखा है अच्छा देखो W10 ऑटोमेटिक 500 अब भाई पीछे अच्छा ये लगा हुआ है बिल्कुल गार्ड लगा हुआ है वैसे इस गाड़ी के लिए गार्ड बनते हैं इवन उसमें भी लगा हुआ है अब जरा ऑटोमेटिक है गाड़ी स्टार्ट है अब पहले क्या कह रहे हो पहले इंटीरियर चेक करा दो भाइयों को सनरूफ दिखाओ चलो फिर आ जाओ अंदर आ जाओ विजय भाई इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट दिख रही है मुझे इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल मतलब W10 में सब कुछ ही आता है क्या सब कुछ है जो आप सोच सकते हो ना एक XUV500 में वो सब कुछ दे दिया है W10 में भाई जबरदस्त यार इसकी सीट्स देखो सीट्स कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है और इधर अगर मिस्टर व्यास दिखाएंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलेगा इंजन अच्छा पुश स्टार्ट है बिल्कुल प्लस साथ में इसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन भी है वेरी नाइस पुश स्टार्ट गाड़ी है मतलब ऊपर आप देखोगे ना मिस्टर व्यास दिखाएंगे हाइट का अपनी फ़ायदे उठाएंगे और नीचे से भी दिखाएंगे तो आपको दिखेगा प्रॉपर सनरूफ है जिस गाड़ी के अंदर बिल्कुल जिसे हम कहते हैं फॉर्च्यूनर में भी नहीं आता बट इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी आता है अब प्लीज़ इधर भी आइए आप इसमें इवन पिलर्स में भी एसी मिल जाता है आपको ये 7 सीटर है ना गाड़ी बिल्कुल 7 सीटर इवन थर्ड रो में भी एसी का वेंट है अब मिस्टर व्यास पीछे वाली सीट्स भी आपको दिखाएंगे जो थर्ड रो में जो सीट्स हैं वो किस तरीके से रहने वाली है और क्या प्रोफाइल है जी गाड़ी की गाड़ी दिल ले लेती है और पूरी ओरिजिनल गाड़ी है भाई साहब और जो भी है सब कुछ मतलब कंपनी फिटेड ही अब ये देखो ये भी चीज़ भी वेलकम प्लेट्स बैजिंग जो है बहुत अच्छी वेलकम प्लेट्स है ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं गाड़ी के अंदर और अब लाइटें दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से जो इसकी जल रही हैं अब इस टाइम अब ये देखो क्या यार मतलब इसे तो लेने का ही मन कर जाता है इस गाड़ी से और देखने के बाद ऐसा नहीं लगता सबसे अच्छी बात है इसका जो एक यूनिक कलर दिया है जी जो आज तक कभी XUV में नहीं आया वो इसी वेरिएंट में आता है इसी मॉडल में 10 में आता है ये 10 में नहीं मतलब इस शेप में आता है अच्छा इसी शेप में आता है
अब इतनी बातें कलर की करो तो कलर का ये भी तो बताओ क्या रंग रहने वाला है, हमारी इंडियन लैंग्वेज बताना मुझे। आप कह सकते हो चॉकलेट ब्राउन, ब्राउन लग रहा है। अब ये है सन 2018 मॉडल, यानी एक साल डेढ़ साल अप्रोक्स, साल मान लो नहीं हुआ होगा, चलो साल भी नहीं हुआ, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी। और ये गाड़ी आपकी हो सकती है कितने दाम में, जल्दी बताओ। बारिश होने वाली है भाई, करो रहम करो मुझ पे। इसके बिल्कुल 18 लाख रुपीस, ब्रांड न्यू गाड़ी है, वो तो मार्केट देती है फिर? बट आप बाबा लग्जरी कार के मॉनसून सेल में आए, क्या बोल रहे हो? सिर्फ और सिर्फ कितना? 16,40,000। 16,40 नेगोशिएबल ऑन टेबल, 16,40,000 की आपको मिल जाएगी जी ये W10 टॉप मॉडल। जो चली कितनी इतना भी अंदाज़ा दे दो, क्योंकि ये गाड़ी वैसे सिर्फ और सिर्फ 17,000। मत करो ऐसी बातें कि लेने का कर जाए मन मेरा। तो अब लास्ट जो गाड़ी रहने वाली है वो भी तबाही है भाई, उसमें भी कोई कमी नहीं है गाड़ी में, क्योंकि वो गाड़ी, इस गाड़ी में एक्सेसरीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है। और इसमें लगी भी हुई है भाई, क्या क्या लाइटें लगी हुई हैं इसके अंदर, फॉग लैंप लाइट है, DRL है, जबरदस्त का काम हो रखा है, पूरा आगे भी देख सकते हैं, इवन साइड में भी, बहुत ही अलग। ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे VIP गाड़ी होती है ना, होती है VIP, ये VIP गाड़ी होती है, लेकिन ब्लैक कलर में डबल VIP होता है, VVIP मॉडल, बेज इंटीरियर भी है और मतलब फुली लोडेड मानी जाती है फॉर्च्यूनर। अब इसका अगर आप प्रोफाइल देखेंगे उस तरफ से तो आपको आइडिया होगा कि इसकी क्या शेप रहने वाली है। इसका मॉडल तो मैं गेस कर लूँगा बहुत आराम से, फॉर्च्यूनर का तो मैं देख के बता देता हूँ। बताओ फिर। ये होगी फॉर्च्यूनर जी, होगी क्या ये फॉर्च्यूनर है 12 मॉडल, अब बताओ है, पक्की बात है ना? सही, 2012। ये शेप विजय भाई ने बता दिया मुझे कि भाई ऐसी ऐसी शेपें होती हैं, तो आपको अंदाज़ा आपको भी हो गया, मुझे भी हो गया। 12 मॉडल फॉर्च्यूनर अंदर से ये कितनी लोडेड है यार, अभी फॉर्च्यूनर का हमने कॉन्सेप्ट किया था वैसे, वैसे इस फॉर्च्यूनर को आपने नहीं किया, हाँ। ये आप मेरे साथ ही कर रहे हो, सही है। और ये वेरिएंट जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। और क्लाइमेट्रॉनिक AC, टच स्क्रीन, इवन रियर पार्किंग कैमरा भी है इसमें, बहुत बढ़िया। बीज इंटीरियर के साथ है, बाकी आप सब कुछ देख ही रहे हैं, क्रोम वोम। फाइनल डील 13,75,000, पक्की बात है? तो ये तो मेरे को लग रहा है 13,75,000 में तो ये एक और चीज ऐड कर लिया आपने, अभी बोले अभी पीछे भी इसी रेट में 13,75,000 में हमने दिखाई थी काफी सारी, यहाँ जितनी आएंगी फॉर्च्यूनर के लिए। मुझे इतना बता दो फॉर्च्यूनर के कितना बजट लेके आना, क्योंकि फॉर्च्यूनर की बहुत डिमांड है। देखो हमारे पास, आपने जब लास्ट टाइम वीडियो किया था, 8.5 से स्टार्ट हो गई थी, 8.5 से, ओके। और आज देखो मतलब मैक्सिमम आप 13.5-13.45 लाख मतलब मुझे एक चीज समझाएं, जैसे काफी सारे भाई हैं, ऑब्वियस बात है हमारे यहाँ पे ऐसा है बाबा लग्जरी कार पे कि गाड़ी लेने कौन सी आते हैं, ले कौन सी आते हैं, क्योंकि वैरायटीज इतनी होती है कि आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं। देखो है? वो तो है ही सी, मतलब ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं लेने आया हूँ स्विफ्ट डिजायर और मैं लेके जा रहा हूँ एंडेवर, वो इसलिए क्योंकि स्टॉक इतना बेहतरीन है दोस्तों कि आप लिए बगैर रह नहीं पाते। तो उसके लिए आप एक प्राइस रेंज बता दें या फिर एक ऐसा बजट बता दें जिस बजट में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो कई कार आती हैं जाती हैं, ओके। कई बार ये रहता है कि 10 लाख के अराउंड बहुत सारी कार हो जाती हैं, कई बार 15 के अराउंड, कई बार 7-8 लाख के अराउंड, वह तो सारी गाड़ियां रहती है हमारे पास, कम बजट से भी ज़्यादा भी, बट 8 से लेकर 15 के बीच में अगर कुछ काफ़ी आ जाएगा, मिल सकती है। अगर आपका 15 लाख का बजट है या 12-13 लाख का भी बजट है ना, तो आप यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ना देख सकते हैं, नो डाउट। बिल्कुल, इवन आप कंफ्यूज हो जाओ, फॉर्च्यूनर देख पाओगे आप, XUV500, डस्टर, एंडेवर, लैंड रोवर, ओ भैया सभी है यहाँ पे। इनमें से किसी गाड़ी की डील क्रैक करनी है तो फटाफट करना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप वीडियो बहुत जरूरी, हाँ आप वीडियो बहुत लेट देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि वो गाड़ी तो यहाँ पे है नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी भाई उसे लेके चला जाता है, क्योंकि जो पहले आएगा वही लेके जाएगा, वही लेके, तो फिर देर नहीं करनी, फटाफट आना है, सारी गाड़ियों की NOC पासिंग सब कुछ प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इन सभी गाड़ियों को आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी देख सकते हैं, जो है baba_luxury_cars। और कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा और पार्क एंड सेल जो मैंने आपको पहले भी बताया, कैसा चल क्या सर, ये बताओ, सक्सेसफुल बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल, आप लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर रहे हैं और जल्द से जल्द बाबा लग्जरी कार के स्टॉक से वो गाड़ियाँ सोल्ड होती हैं, तो इससे फ़ायदा बेचने वाले का भी हो रहा है और फ़ायदा खरीदने वाले का भी हो रहा है, और सपने सबके पूरे हम करवा रहे हैं।
इस मीडियम से। बिल्कुल। तो पार्क एंड सेलेक्ट बहुत ही अच्छी सर्विस है, आप अगर उसके बारे में कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं और आपको गाइड कर देंगे कि व्हाट इज पार्क एंड सेलेक्ट। बिल्कुल। तो इसी के साथ माय कंट्री मारा मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कंट्री मारा, सी यू, बाय बाय फ्रॉम बाबा लग्जरी कार, और एक बार बाय जरूर, बाय बाय एवरीवन।